बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाज़मीन और रिटायर्ड पेंशनर हज़रात, आप सब उम्मीद खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा किया है। वफाक और पंजाब दोनों ने तनख्वाहों में 25% और पेंशन में 15% का इजाफा किया है। बहुत सारे सरकारी मुलाज़मीन को ये परेशानी होती है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा तो हो गया है, लेकिन वो अब कैसे मालूम करें कि उनकी सैलरी में कितने पैसों का इजाफा हो गया है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही एक आसान फार्मूला बताऊंगा, जिसको अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत आसानी के साथ आप अपनी तनख्वाहों में इजाफे को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे कि वफाक और पंजाब दोनों ने तनख्वाहों में 25-25% इजाफा किया है, तो आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है ये मालूम करने के लिए यहाँ पर आपको अपनी बेसिक तनख्वाह लिखनी है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर 30,000 रुपये बेसिक तनख्वाह लिखता हूँ। 30,000 को 0.25 पर ज़रब दें तो यहाँ पर 7,500 रुपये आएगा। तो अगर आपकी 30,000 रुपये बेसिक तनख्वाह है तो आपका 7,500 रुपये आपकी सैलरी में इजाफा होगा। इस तरह आपकी जितनी सैलरी है आपने उसको 0.25 पर ज़रब देनी है, तो जितना इजाफा होगा उतनी रकम का आपकी सैलरी में इजाफा होगा। तो अब देखते हैं बेसिक स्केल 17 से 22 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की। जैसे कि आपको पता है कि बेसिक स्केल 17 से 22 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा हुआ है। यहाँ पर भी हम मिसाल के तौर पर 30,000 रुपये बेसिक तनख्वाह को लेते हैं और उसको 0.2 के साथ ज़रब देते हैं तो आपके पास 6,000 रुपये उसका आंसर आएगा। तो यही 6,000 रुपये आपकी सैलरी में इजाफा हुआ है। ग्रेड 1 से लेकर 16 के सरकारी मुलाजमीन को 0.25 के साथ ज़रब देनी है अपनी बेसिक तनख्वाह को, और बेसिक स्केल 17 से 22 ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन को 0.2 के साथ ज़रब देनी है। तो जितना भी आंसर आएगा वही आपकी सैलरी में उतनी रकम का इजाफा होगा। अब बात करते हैं पेंशन की। जैसे कि वफाक और पंजाब दोनों ने 15% पेंशन में इजाफा किया है, तो यहाँ पर आप अपनी पेंशन, जितनी पेंशन आपको मिलती है उससे अपना मेडिकल अलाउंस को आपने निकाल देना है, और जो बाकी पेंशन आपकी बचेगी उसको आपने 0.15 पर ज़रब देना है। मिसाल के तौर पर आपने मेडिकल अलाउंस निकाल कर आपकी पेंशन 30,000 रुपये बचती है तो आपने उसको 0.15 पर ज़रब देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर 4,500 रुपये आएगा। तो यही 4,500 रुपये रकम आपकी पेंशन में इजाफा होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये बहुत ही आसान फार्मूला है जिसके ज़रिए आप अपनी सैलरी में इजाफे को देख सकते हैं। तो इस चैनल पर आपको मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन की लेटेस्ट अपडेट मिलती हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।